अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ फेलो ट्रैवलर की समरी को। फेलो का मतलब होता है साथी, सह, और ट्रैवलर माना यात्री यानी सह यात्री। तो जिसे लिखा है एजी गार्डनर है, यानी एक सह यात्री के विषय पर एजी गार्डनर ने अपने विचारों को किस सुंदर तरीके से प्रस्तुत यहाँ किया है, हम आज इसके बारे में जानने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने साथ कॉपी और पेन निकाल लिया होगा ताकि उन सभी शब्दों को आप नोट कर सकें जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, और अगर आपको शायद नहीं आते हैं। तो चलते हैं मित्रों अपने टॉपिक की ओर। तो पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन टू द लेसन, यानी कि पाठ की प्रस्तावना। द ऑथर एजी गार्डनर इज ऑल एलोन इन एन इवनिंग ट्रेन। ऑल एलोन का मतलब होता है बिल्कुल अकेला, यानी लेखक एजी गार्डनर शाम की एक ट्रेन में बिल्कुल अकेले हैं। द ट्रेन इज लीविंग लंदन, ट्रेन लंदन को छोड़ रही है। इट इज़ द समर इवनिंग, यह गर्मियों की एक शाम है। अ मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, अ मॉस्किटो एंटर्स द कंपार्टमेंट, एक मच्छर डिब्बे में, कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बा, डिब्बे में प्रवेश करता है। द ऑथर फील्स वेरी नाइस, लेखक बहुत अच्छा महसूस करता है। एंड टर्न्स टू एन्जॉय द रेयरिटी, रेयरिटी का मतलब होता है दुर्लभ, रेयरिटी ऑफ द लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब है एकांत, अकेलापन, यानी लेखक को बहुत अच्छा लगता है और वह एकांत का आनंद लेने के लिए मुड़ता है, यानी लेखक को बहुत अच्छा लगता है और वह उस दुर्लभ एकांत का आनंद लेने के लिए मुड़ता है। बट द मॉस्किटो स्टार्ट्स टीजिंग, स्टार्ट्स माने आरंभ कर देना, टीजिंग माने तंग करना, लेकिन मच्छर तंग करना आरंभ कर देता है। दे बोथ स्टार्ट रिएक्टिंग, रिएक्टिंग होता है प्रतिक्रिया करना, रिएक्टिंग रेदर प्लेइंग विद ईच अदर, वे दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं करना आरंभ कर देते हैं, और इसके साथ साथ वे एक दूसरे के साथ खेलने भी लगते हैं। द ऑथर एंड द मॉस्किटो पास द फुल लॉन्ग जर्नी इन म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, बराबर, म्यूचुअल एक्शंस एंड रिएक्शंस, लेखक और वह मच्छर उस पूरी लंबी यात्रा को एक दूसरे के साथ आपस की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं में व्यतीत कर देते हैं। पास माने व्यतीत करना। दस इस प्रकार इट इज क्वाइट अ ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है मनोरंजक, मजाकिया। एस से फॉर अवर यंग रीडर्स, इस प्रकार यह हमारे युवा पाठकों के लिए एक मनोरंजक लेख या निबंध है। अब जानते हैं मित्रों इसकी थीम यानी कथासार को। द थीम ऑफ द लेसन, यानी इस कहानी का, इस पाठ का सार। अ फेलो ट्रेवलर एसे इज टेकन फ्रॉम हिज लीव्स इन द विंड, अ बुक ऑफ एसेज, यानी कि एक सहयात्री निबंध, उनकी निबंधों की एक पुस्तक लीव्स इन द विंड से लिया गया है। यानी जो हमारे सामने ये एसे है फेलो ट्रेवलर, ये एजी गार्डनर की ही एक एसे की बुक जिसका नाम है लीव्स इन द विंड से लिया गया है। इट इज अ पर्सनल एसे, यह एक व्यक्तिगत निबंध है। इन विच, जिसमें द ऑथर टॉक्स टू अ मॉस्किटो, जिसमें लेखक एक मच्छर से बात करते हैं। रिगार्ड हिम एज अ फेलो ट्रेवलर, और उसे अपना सहयात्री मानते हैं, यानी सहयात्री मानते हुए वो उससे वार्तालाप करते हैं। ही डज नॉट टेक इट मिरी, मिरी मीन्स मात्र, मिरी एन इंसेक्ट्स, वह इसे केवल एक कीड़ा मात्र ही नहीं मानते। ही अफर्म्स, अफर्म होता समर्थन करना, ही अफर्म्स अ रिलेशनशिप विद हिम, वह उसके साथ एक संबंध के होने का भी समर्थन करते हैं। ही पेज हिम रेस्पेक्ट, वह उसे सम्मान देते हैं। ही सेज, वह कहते हैं दे आर फेलो मॉर्टल, मॉर्टल माने विनाशी, फेलो माने सह, वे सह विनाशी हैं।
वे कहते हैं वे सहविनाशी हैं, दे हैव मिरिकल, मिरिकल माने चमत्कार, ऑफ लाइफ एज वेल एज मिस्ट्री ऑफ लाइफ। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, दे हैव मिरिकल ऑफ लाइफ एज वेल एज मिस्ट्री ऑफ लाइफ, कि उनके पास अपने जीवन के चमत्कार के साथ साथ अपने जीवन के रहस्य भी हैं। दे आर अ गुड डील, अ गुड डील एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है काफी अधिक, अलाइक माने एक जैसा, दे आर अ गुड डील अलाइक, यानी वे काफी हद तक एक जैसे हैं। जस्ट एपरेशंस, एपरेशन का मतलब होता है भूत या प्रेत, यानी वे काफी हद तक एक जैसे, यानी भूत या प्रेत जैसे हैं। द राइटर स्पीक्स ओनली हिमसेल्फ एंड मॉस्किटो, लेखक सिर्फ अपने आप से और मच्छर से ही बात करता है। द मॉस्किटो इज पैसिनेट, पैसिनेट माने उत्साही, तीव्र, यानी मच्छर एक उत्साही या तीव्र है। एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर, और लेखक के द्वारा उसका वर्णन किया जाता है। समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश, यानी पाठ का इंग्लिश में सारांश। पहला हेडिंग है इन द ट्रेन, यानी रेलगाड़ी में। द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन बाय ट्रेन, यानी लेखक रेलगाड़ी द्वारा लंदन से मिडलैंड के एक नगर की यात्रा कर रहा था। इट वॉज अ पैसेंजर ट्रेन दैट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, यह एक यात्री गाड़ी थी जो मार्ग के प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। द पैसेंजर्स ग्रेजुअली, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, द पैसेंजर्स ग्रेजुअली गॉट डाउन, गॉट डाउन माने उतरना, एट एवरी स्टेशन, यात्री धीरे धीरे प्रत्येक स्टेशन पर उतरते गए। एट लास्ट, अंत में, द ऑथर वॉज लेफ्ट अलोन इन हिज कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट माने डिब्बा, और अंत में लेखक अपने डिब्बे में अकेला ही रह गया। सेकेंड हेडिंग है द आइडिया ऑफ लोनली फ्रीडम, यानी लोनली माने अकेलापन, फ्रीडम माने आज़ादी, यानी कि अकेलेपन की आज़ादी का विचार। द ऑथर एन्जॉयड द आइडिया ऑफ बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट, यानी अपने डिब्बे में अकेले होने के विचार से लेखक को काफ़ी अच्छा लगा, यानी लेखक ने डिब्बे में अकेले होने के विचार का आनंद लिया। He thought that he was quite free to talk, argue, sing, dance, practice golf stroke or play marbles. He thought, उसने सोचा कि he was quite free to talk, कि वह वार्ता करने यानी बात करने के लिए, argue बहस करने के लिए, sing गीत गाने के लिए, dance नृत्य करने के लिए, practice माने अभ्यास करना, प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक और गोल्फ के खेलने का अभ्यास करने के साथ साथ, और प्ले मार्वल्स या फिर कंचे खेलने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र था। ही कुड क्लोज और ओपन द विंडोज, वह खिड़कियों को खोल और बंद भी कर सकता था। कुड सिट ऑन एनी सीट, किसी भी सीट पर बैठ सकता था, और लाई ऑन द कुशन या फिर गद्दे पर भी लेट सकता था, विदाउट एनी फियर ऑफ लॉ, बिना किसी नियम के भय के। द ऑथर डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेखक ने इनमें से किसी भी कार्य को नहीं किया। ही लिट अ सिगरेट, लिट मीन्स जलाना, और सिगरेट आप जानते ही हैं, उसने सिगरेट को जलाया, सेट डाउन नीचे बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया। नंबर थर्ड हेडिंग है अ मॉस्किटो इन द कंपार्टमेंट, यानी कि डिब्बे में मच्छर, यानी डिब्बे के अंदर एक मच्छर। जस्ट देन अ मॉस्किटो केम, तभी एक मच्छर आया, एंड सेट ऑन हिज नोज, और उसकी नाक पर आकर बैठ गया। द ऑथर फ्लिक्ड इट ऑफ, फ्लिक्ड ऑफ का मतलब होता है उड़ा देना, लेखक ने इसको उड़ा दिया। इट वेंट अराउंड, यह चारों ओर घूमा, एंड केम डाउन ऑन द ऑथर्स नेक, और वह लेखक की गर्दन पर पुनः बैठ गया। ही फ्लिक्ड इट ऑफ अगेन, उसने इसे पुनः उड़ा दिया, बट इट केम बैक, लेकिन यह वापस आया, एंड सेट ऑन द बैक ऑफ द ऑथर्स हैंड, और वह लेखक के हाथ के पीछे के भाग, यानी हाथ के पीछे आकर बैठ गया।
उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको मेरे द्वारा समझाया गया पाठ समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर आपके लिए समझ में आ रहा है, लाभदायक है, तो हमारे इस प्रयास को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी है, आवश्यक है। चलते हैं मित्रों, पढ़ते हैं अब हेडिंग नंबर 4, द ऑथर ट्राइड टू किल द मॉस्किटो, लेखक ने मच्छर को मारने का प्रयास किया। ट्राइड माने प्रयास करना। द ऑथर गॉट एंग्री विद द मॉस्किटो, लेखक मच्छर से क्रोधित हो गया। गॉट एंग्री माने क्रोधित हो जाना। एंड ट्राइड टू किल इट, और इसे मारने का प्रयास किया। ही कॉल्ड इट अ वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड माने आवारा। पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस माने असुविधा देना। उसने इसे आवारा, पब्लिक यानी जनता को असुविधा देने वाला। ट्रेवलर विदाउट अ टिकट ETC, और बिना टिकट के यात्रा करने वाला इत्यादि भी कहा। एंड अटैक्ड हिम इन सेवरल वेज, और अनेकों तरीकों से उस पर आक्रमण भी किया। बट ऑल हिज अटैक्स फेल्ड, लेकिन उसके सारे आक्रमण विफल हो गए, यानी कि असफल हो गए। हेडिंग नंबर 5, द ऑथर फेल्ट फ्रेंडली, लेखक ने मित्रवत महसूस किया। द ऑथर डेवलप्ड सिंपैथी एंड फेलो फीलिंग फॉर द मॉस्किटो, लेखक ने अपने साथी यानी मच्छर के प्रति अब सहानुभूति, सिंपैथी माने सहानुभूति, और फेलो फीलिंग यानी कि मित्रवत भावना को विकसित किया। ही बिकेम मर्सीफुल फॉर द स्मॉल क्रिएचर मॉस्किटो, मर्सीफुल माने दयावान, क्रिएचर माने प्राणी, वह उस छोटे प्राणी यानी मच्छर के प्रति अब दयावान हो गया। ही पार्डन, पार्डन होता क्षमा कर देना। ही पार्डन इट, उसने इसे क्षमा कर दिया। एंड सेट ऑन हिज सीट, और वह अपने स्थान पर, अपने सीट पर बैठ गया। मॉस्किटो द फेलो ट्रेवलर, यानी मच्छर एक सहयात्री। द ऑथर बिकेम वेरी मच फ्रेंडली टू द मॉस्किटो, लेखक अब मच्छर के प्रति बहुत अधिक मित्रवत हो गया था। ही कॉल्ड अ मॉस्किटो हिज फेलो ट्रेवलर, उसने मच्छर को अपना सहयात्री भी कहा। एंड बिगेन टू थिंक ऑफ लाइफ, और जीवन के बारे में, एंड जर्नी, और उस यात्रा के बारे में, लाइक अ फिलोसोफर, फिलोसोफर माने दार्शनिक, एक दार्शनिक के तरह सोचना आरंभ कर दिया। यानी उसने मच्छर को अपना सहयात्री कहा तथा जीवन और यात्रा के बारे में एक दार्शनिक की भांति सोचना आरंभ कर दिया। अगला हेडिंग है द जर्नी एंडेड, यानी यात्रा का अंत। एज द ऑथर सेट लॉस्ट इन हिज थॉट्स एज अ पोर्टर, पोर्ट मीन्स यहाँ पर कुली, फ्रॉम आउटसाइड माने बाहर, कॉल्ड आउट टू हिम, जैसे लेखक अपने विचारों में खोया हुआ बैठा था, तभी बाहर से एक कुली ने उसे पुकारा। इट वॉज द ऑथर्स स्टेशन, यह लेखक का स्टेशन था। द ऑथर केम आउट ऑन द प्लेटफॉर्म, लेखक बाहर प्लेटफॉर्म पर आया। एंड हिज जर्नी विद हिज फेलो ट्रेवलर केम टू एंड, और उसकी यात्रा उसके सहयात्री के साथ यहीं पर समाप्त हो गई। मित्रों मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया ये पाठ आपके भली भांति समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर औरों के लिए भी लाभप्रद बनाइएगा। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिएगा, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।